नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि कभी हमारे शरीर में भूली लग जाती है कोई काम काज करते समय, तो उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग को भूली जो है वो लग जाती है कभी कभार, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए कि नींबू जो है वो पीली वाली नींबू उसको खाना चाहिए। आप एक दो बार पी लेंगे या वैसे भी चूस चूस करके खाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, उसका जो आग होता है निकलना। और आप एविल गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कोई कोई कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि जो है सांप जो है को भी कई बार किसी को काट लिया है तो क्या करें। सबसे पहले सांप से बचने के लिए रात बिरात में जब भी जगना है उठना है तो हाथ में टॉर्च बत्ती जरूर चाहिए। जिन लोगों के हाथ में टॉर्च बत्ती नहीं रहता है उसके हाथ पांव में डर रहता है सांप काटने के चलते, या बहुत सभी लोग जंगल में जो काम करते हैं ज्यादा उन्हीं लोगों को सांप काटने की, या घर में कोई जंगलास जमीन जगह होता है उसमें सांप जो है वो बैठा रहता है, तो उस जगह से बचने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा कि टॉर्च बत्ती लेकर के उठें। और कभी भी पता करना है कि चूहा काटा है कि सांप काटा है, उसको जब दो दांत हो गई तो समझिए कि सांप ने काट लिया है, तो तुरंत क्या करना चाहिए कि उसको वहां से, अगर पैर में काट लिया है तो पैर को दो तीन जगह एक एक फीट पे बांध देना चाहिए और उस आदमी को खड़े ही रखना चाहिए, बैठने नहीं देना है और सुलाना नहीं है। बैठने से होगा कि खून जो है वो आगे चढ़ जाएगा और ऊपर, और वहां से थोड़ा सा क्या करना है कि पत्ती या ब्लेड से पहले बांधना है, चौड़ चौड़ करके दो तीन जगह बांध दीजिए, उसके बाद में खड़ा रखना है, और उसके बाद में दो तीन जगह बांधने के बाद में जहां काट लिया है वहां ताजा ब्लेड से लेकर के उसको चीर देना है, या छुरी अच्छा होगा तो उसका थोड़ा खून बहने लगेगा। उसके बाद में उनको पानी नहीं पिलाना है, दूध और हल्दी दिया जाता है उसमें, गर्म दूध, वो भी भैंस का दूध दिया जाता है, पहला नंबर। और उस दूध में अगर आप लहसुन डाल करके देंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि उसमें इतना है सांप के जहर क्या है वो ठंडी हो जाती है शरीर में, कफ घेर लेता है, तो उसके लिए आप लोग लहसुन जो पीस करके देंगे या एक आध कली जो है तुरंत खिलाते रहिए। 10 कली अगर खा लिया, ऐसे तो ज्यादा खाना चाहिए, खाने से जो है वो बिख उतर जाता है, पानी बिल्कुल नहीं देना है, और उसके बाद में डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए तुरंत, झाड़ फूंक के चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ फूंक करवाना है तो बाद में कराइए, लेकिन डॉक्टरी सलाह जरूर लेना चाहिए, नजदीक के डॉक्टर है या किसी भी डॉक्टर से तुरंत सलाह लेने से या दिखाने से वो रोगी बच सकता है। नहीं तो एक कोबरा सांप होता है, एक क्या होता है कि वो काला नाग होता है, उसको काटने से तुरंत आदमी की मौत हो जाती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी अगर आप लोग करेंगे तो आपको ये रोगी जो है तुरंत बन जाएगी। थैंक यू दोस्तों, माता दुर्गा जी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को सांप बिल्कुल न छुए। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहे मस्त रहे, बने रहे।